स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सभी ने इसका जो प्रीवियस पार्ट जो है वो समझ लिया है। तो अभी जो है आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में ये देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हमने स्टडी किया था। तो इस क्लास में अभी हम स्टडी करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चलो हम स्टडी करते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका जितना भी सॉल्वेंट दिया हुआ है उसमें आप कितना सॉल्यूट ऐड करते हो उस क्वांटिटी को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे अगर मैंने मान के चलो कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और कंसिडर करो कि उस ग्लास ऑफ वाटर का कितना था, वो 100 ml था। तो 100 ml वाटर में अगर मैंने 2 स्पून क्या डाल दिया है, शुगर ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ, मतलब मुझे पता है कि भाई मैंने 2 स्पून शुगर जो है ऐड किया 100 ml ऑफ वाटर में। तो ये मैं उसको क्या कहूँगी, मैं उसे कहूँगी कि आई नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसी के कुछ टाइप्स होते हैं। अब हो सकता है कोई ml में ले, कोई और यूनिट यूज करे। तो ऐसे डिफरेंट यूनिट को यूज करने की वजह से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो अब इन कुछ मेथड्स का हम डिटेल स्टडी करते। वैसे ये टॉपिक आपने क्लास 11th में स्टडी कर चुका है, बट फिर भी हम एक बार फिर से यहाँ क्लास 12th में भी स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन को देखते स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहला टाइप यहाँ पर लिखते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो ये क्या होता है, इसको हम स्मॉल, इसमें हम इसको ऐसा भी कहते हैं W/W%। जो सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड पार्ट जो आता है इसका वो है मास/वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो है parts/million, जिसे हम क्या कहते हैं, PPM। फिफ्थ टाइप जो है वो रहेगा इसका mole/fraction। इसके बाद में आएगा molarity। और सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्टर सिक्स्थ जो है, सेवेंथ पार्ट रहेगा इसका मोलैलिटी। नेक्स्ट वन इज नॉर्मैलिटी। सो ये जितने भी टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन सभी टाइप्स पे क्या होता है, हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है कि ये सभी टाइप्स क्या है। तो इन सभी टाइप्स को एक वीडियो में तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज के इस क्लास में हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 पॉइंट्स है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मास पर मास परसेंटेज। अब देखो, अब ये मास और मास परसेंटेज मींस क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला के इसको जैसे मैंने कहा W/W% में भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100, तो ये हो जाएगा मास अपॉन मास परसेंटेज। अब इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। अभी अगर मैंने ये कहा है कि भाई एक अगर न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर, इन 10 ग्राम ऑफ वाटर मैंने क्या डिसॉल्व किया, और हम लिख सकते हैं 2 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैंने 2 ग्राम शुगर को किसने, अब आप कहोगे लिक्विड, लिक्विड को भी हम मास में मेजर तो कर ही सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, 2 ग्राम को शुगर को मिक्स किया है 10 ग्राम ऑफ वाटर में। अब मैं इसका मास परसेंटेज कैसे निकालूंगी, देखो मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, तो हमने यहाँ लिखा 2 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन पूछा है। सोल्यूशन का मास कैसे पता चलता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो यहाँ पर 2 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 10 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 12 इंटू 100। और ये फाइनली जो है आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और जब हम इसका आंसर निकालने जाते हैं तो हमें यहाँ पर लगेगा 6, सो 100 अपॉन 6 एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग आंसर एज, यहाँ पर चलो कैलकुलेशन कर लो, ओके अप्रॉक्स 16.66% जो है इसकी ये वैल्यू निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, याद आ रहा है क्या, आपने ये पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कभी भी किसी का भी मास पर परसेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें इसी की वैल्यू देखूँ और साथ में ही अगर हम इसका सेकेंड ऑप्शन अगर देखें, तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड कौन सा है हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या लेते हैं, सिर्फ मास की जगह इसको वी बाई वी भी कहा जाता है, वी बाई वी परसेंट। तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं, मास, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो सिमिलरली होगा, सिर्फ यहाँ पर अगर मैंने 2 ग्राम कहा है तो अगर यहाँ पर हो सकता है कि 2 ml डिजोल्व इन 100 ml, देखो हम सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा है, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, और वो एग्जांपल है कि जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पर कि भाई 20 ml इज डिजोल्व इन 80 ml ऑफ वाटर, हाउ टू कैलकुलेट, तो 20 अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 100। सो ये इतना, इसका कितना हुआ आंसर, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस तरीके से तो आंसर आएगा 20%। और इस परसेंट के पास क्या लिखा रहेगा, वी बाई वी, इट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके सो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकेंड टाइप। सिमिलरली हम थर्ड टाइप भी सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड टाइप क्या है इनका, थर्ड टाइप जो है वो है, थर्ड टाइप जो है वो है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, चलो देखते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इट मीन्स इसको हम W बाई वी भी यूज कर सकते हैं, परसेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अगर मैंने ये कहा कि मैंने 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, तो इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, मास ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आएगा 20, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमने इसमें क्या किया 20 प्लस 100 इंटू 100, तो यहाँ पर होगा 20 अपॉन 120 इंटू 100। और फिर जो है हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा ये आंसर 16.6।
तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ये सब हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, तो ये जो अगर आपने मेडिसिंस की बॉटल्स ध्यान से अगर देखी है तो मेडिसिंस की बॉटल्स पे ये इस तरीके से लिखा रहता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और जल्दी से आप मेडिसिंस की बॉटल लेकर आइए और देखिए उसमें है या नहीं लिखा हुआ। उसमें ज़रूर आपको वी बाई वी, डब्ल्यू बाई वी या फिर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। सो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, फोर्थ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट वन इज PPM, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और ये जो क्वांटिटी यूज होती है, ये जो मेथड जो है वो यूज होता है टू एक्सप्रेस वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, टू एक्सप्रेस वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। जब बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन रहता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और मोस्टली हम इसका जब यूज़ करते हैं तो एयर में जितने कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, कि हीलियम गैस कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि ये पूरे एयर के कंपैरिजन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इसीलिए उनको क्या किस में किया जाता है, PPM में आप उसको मेजर किया जाता है। हम देखते हैं कि इतने बड़े सी वाटर में सॉल्ट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो भी क्या, वो कॉन्सेंट्रेशन तो है बट बहुत ही छोटा है, और इसीलिए उसको किस में यूज़ किया जाएगा, PPM में। तो चलो देखते हैं कि PPM का फॉर्मूला होता क्या है। तो चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो PPM इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इंटू 10^6। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि उसमें छोटी सी अगर क्वांटिटी में है वो, तो वो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा छोटी है। तो अभी हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ, और फिफ्थ वे जो है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन वो हम देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ वे जो है वो है मोल फ्रैक्शन, और ये जो मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल से दैट ये क्लास 11th का टॉपिक है, और क्लास 11th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं हमेशा वैल्यू एक्स से, एक्स एक ऐसा सिंबल माना जाता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ये है क्या, ये एक्चुअली रेशियो है। ये क्या है, रेशियो। चलो अब देखते हैं कि इसका रेशियो कैसे होता है। जैसा कि अगर मान के चलो कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, लेट्स कंसीडर दैट सॉल्यूशन इज हैविंग टू कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी को मैं कैसे एक्सप्रेस, हमने क्या किया, लेट ए एंड बी बी द कंपोनेंट। सो आपके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो हम ये स्मॉल एन ए यूज कर सकते हैं, ए एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सो इसी इस तरीके से हम किसी का भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है हम ये बना सकते हैं। सिमिलरली अब चलो देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसी फॉर्मूला को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी।
सो ये हो गया है किसका मोल फ्रैक्शन, ये हो गया कंपोनेंट ए का, ये हो गया है कंपोनेंट बी का। सिमिलरली अगर कोई एक और भी कंपोनेंट रहा तो हम उसका भी कैलकुलेट कर सकते, बस हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन चेंज करने होंगे। तो जब हम इसको ये करते हैं तो एक और छोटा सा डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी कुछ और चैप्टर्स में भी और इसी चैप्टर में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। क्या है वो छोटा सा डेरिवेशन, चलो देखते हैं। वो ये डेरिवेशन है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। इट मीन्स जब मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन के आप ऐड करोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी उसकी, वन आएगी। कैसे आएगी, चलो अब हम समझते हैं। एक्स ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और अब चलो दूसरा देखते हैं, हाँ एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू क्या है एन बी अपॉन और यहाँ पर है एन ए प्लस एन बी। देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं। सो एन ए प्लस एन बी, हमने इन दोनों को साथ में लिखा और ए के डिनोमिनेटर लिख दिया यहाँ पर। तो ए के डिनोमिनेटर जब लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गए और वैल्यू क्या आई है, वन। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंटली भी यूज करेंगे सेम रिलेशन को इसी चैप्टर के, जब हम इसका फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब हम ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में अभी तक हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर जो है फाइव टाइप्स ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन देखे। फर्स्ट हमने मास परसेंट देखा, वॉल्यूम परसेंट देखा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट देखा, नेक्स्ट पीपीएम और लास्ट जो हमने आज की क्लास में जो स्टडी किया है वो है मोल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट आप इन सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी में से एक बार रीड करके रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको आज के इस क्लास में जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को, जो भी लोग नए हैं वो सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। Thank you students and have a good day ahead.